देखिए, जो केंद्र का बजट इस समय पेश हो चुका है, राज्य का बजट भी आने वाला है। हमें ये था कि चुनावी वर्ष हैं, शायद बहुत सारा पिटारा आम जनमानस के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई ना कोई पिटारा खोला जाएगा। ये तो बिल्कुल हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने जो कहा है, मित्र काल का बजट है। और मित्रों की तो ऐसी पोल खुली है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिससे ये समझ नहीं आता कि क्यों ये सरकार, विशेष तौर से हमारा किसान, जिनके लिए कहा था कि 2022 तक आपकी फसलों के दाम दुगने हो जाएंगे, वो MSP की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी सब्सिडी कम कर रहे हो, बेरोजगार युवाओं को, करोड़ों युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, रोजगार के कोई ऐसे साधन संसाधन सरकार ने नहीं देने का बात किया है, इंडस्ट्री फैक्ट्रीज़ के लिए कोई ऐसी छूट नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों पर महंगाई बढ़ाने का काम जो सरकार ने किया है, तो मैं समझती हूँ ये कतई भी हितकारी बजट नहीं है। महंगाई में जिस प्रकार से खाद्य पदार्थ लगातार महंगे होते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगा होता जा रहा है, गैस पर सब्सिडी देने की बजाय गैस का सिलेंडर जो है महंगाई में आसमान छू रहा है, जिसकी वजह से सभी जगह रसोई से लेकर पूरा बाजार जो है महंगाई के रास्ते पर चल रहा है, तो मैं समझती हूँ ये बजट जो है हितकारी नहीं है। और इसमें जब भी कोई, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, मैं उनको सुन रही थी, उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक लाइन है कि विपक्ष को तो खिलाफत ही करनी है, तो मुख्यमंत्री जी तो पहले ही लाइन खींच कर चलते हैं, उन्हें सोचना चाहिए। कोरोना की आड़ में घोटाले घपले इतने सारे हुए हैं, आज हमारा प्रदेश का युवा रोजगार चाह रहा है, बेरोजगारी भत्ता चाह रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हम बेहतर चाह रहे हैं, किसान हमारा फिर से धरने पर बैठ गया है, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, बच्चे जो है अच्छी शिक्षा के लिए चाह रहे हैं, मेडिकल एजुकेशन जो शिक्षा चिकित्सा है वो सस्ती होनी चाहिए, उल्टा आप बॉन्ड पॉलिसी लागू करके बच्चों के साथ नए नए, आपने मैनिफेस्टो में कहा था, आपका आखिरी साल है ये, कि हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, हर ज़िले में यूनिवर्सिटी खुलेगी, हर ज़िले में नर्सिंग कॉलेज खुलेगा, हर जगह पर जो है नए कॉलेजेस खुलेंगे, ITIs खुलेंगी, तो हमारा ज़िला झज्जर तो इसकी बात जोड़ रहा है। तो मैं समझती हूँ आने वाले बजट से हमें उम्मीद तो कुछ नहीं है, लेकिन बजट सत्र के दौरान विपक्ष के तौर पर हम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे CLP लीडर हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग पूरी मजबूती के साथ जो है लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।